नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट धीरज कुमार आपका स्वागत करता हूँ www.कानूनीज्ञान.co.in में। आज हम जानेंगे कि किसी FIR को हम कैसे और कितने प्रकार से ख़त्म करवा सकते हैं। किसी भी FIR होने के बाद उसको ख़त्म करने के चार तरीके हैं, जिसमें फर्स्ट है पुलिस समय खुद उसमें कैंसिलेशन फाइल करें, उसे ख़त्म कराए, जिसे आप लोग FIR यानी फाइनल रिपोर्ट भी कहते हैं। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पाती है कि FIR झूठी लिखाई हुई है या उसके फैक्ट मैच नहीं कर रहे, तो पुलिस खुद उसको कैंसिलेशन लगा करके ख़त्म करवा सकती है। वो कैंसिलेशन कोर्ट में ही फाइल होती है। दूसरा उसका तरीका होता है रिट। अगर FIR होने के बाद उसमें चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, तो आप आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट और आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाकर भी FIR ख़त्म करवा सकते हैं। इसमें दोनों पार्टियाँ मिलकर भी जा सकती हैं ऐसे समझौते के तहत, और अक्यूज अकेला भी इसको ख़त्म कराने के लिए जा सकता है कंप्लेंट के खिलाफ और स्टेट के खिलाफ। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन होता है क्वेश्चन, सेक्शन 482 CRPC। इसमें हम डायरेक्ट हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट में हम क्वेश्चन के लिए लगाते हैं कि ये FIR ख़त्म होनी चाहिए। उसके अंदर दोनों पार्टियां मिलकर भी जा सकते हैं कंप्लेंट, और अक्यूज अकेला भी जा सकता है। क्वेश्चन चार्जशीट फाइल होने के बाद ही होती है। अगर चार्जशीट फाइल होने के बाद आपको लगता है कि केस कमज़ोर है, मजबूत नहीं है, और आपके पास भी एविडेंस है जिससे कि आप अपना केस प्रूव कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जाकर अपना केस ख़त्म करवा सकते हैं। फोर्थ, कोर्ट पोस्टिंग, जिसमें कि जजमेंट आती है। नॉर्मली आप इस बात को जानते हैं, लेकिन इसके अंदर भी जजमेंट के अलावा दो ऑप्शन और होते हैं आपके पास, दो तरीके। फर्स्ट होता है चार्ज। चार्जशीट फाइल होने के बाद अक्यूज से पहले चार्ज लगता है। उस चार्ज में अगर ये पाया जाए कि केस के अकॉर्डिंग सेक्शन नहीं है या अक्यूज के ऊपर सेक्शन नहीं बनते हैं और वो बरी हो सकता है, तो कोर्ट उसको बरी कर देती है और वो चार्ज पर ही डिस्चार्ज कर देती है। इसी में सेकंड ऑप्शन होता है एविडेंस। कंप्लेनेंट अगर अपनी एविडेंस में हॉस्टाइल हो जाए या उसको पहचानने से मना कर दे या कोई ऐसी बात बोल दे जो अक्यूज के फेवर में जाए, तो जज साहब उसी स्टेज पर कंप्लेंट की एविडेंस के बाद भी अक्यूज को बरी कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने जाना कि चार ऑप्शंस होते हैं और उनके थ्रू कैसे हम FIR ख़त्म करवा सकते हैं या ख़त्म हो सकती है। आशा करता हूँ आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद।